धारा 144 के अलग अलग मतलब बता रहे हैं लोग, आपका क्या कहना है इसमें? धारा 144 हर लोगों के लिए समान दृष्टिकोण से होना चाहिए, लेकिन यह धारा 44 केवल मात्र उसके लिए लगता है जहां विधि व्यवस्था शांत होती है, और 5 से अधिक जहां हो गया वहां विधि व्यवस्था अशांत होने की संभावना होती है। केंद्रीय मंत्री अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग कर रहे थे, धारा 144 का मतलब समझा रहे थे लोगों को कि नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम मीटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने गलत कहा है, और वो उनके लिए भी संविधान और संवैधानिक नियम 144 उनके लिए भी है, और उनके ऊपर भी 144 धारा लागू होता है। कोरोना को लेकर बहुत आजकल बचाव के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि धारा 144 भी इसीलिए लगाई गई है। ये केवल शांति भंग होने की धारा होती है, न कि कोरोना रोग के लिए शांति ये धाराएं होती है। जहां 5 से अधिक समूह अशांत होने की संभावना होती है, विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, वहाँ ये लागू होता है कि कोरोना रोग में 144 धारा लागू होता है, ऐसा कहीं देखा गया है? बताया जा रहा है कि लोग भी बहुत परेशान है, काम धंधे बंद है। बिल्कुल गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है, गरीब जहाँ 5 लोग मजदूरी करते हैं वहाँ 144 लगा दिया गया। और माननीय मंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं जहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ 144 की धारा नहीं लागू होती है। मतलब एक वाक्य में अगर कहना हो तो क्या कहेंगे आप इसे? बिल्कुल गलत उन्होंने किया है, और 144 धारा का उन्होंने दुरुपयोग किया है। आपका परिचय सर? जी एन चौधरी, कांग्रेस।